नाम थारो मणिका भवानी माई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग परियोजना में जो सतना पन्ना रेल मार्ग है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, आप सभी को अवगत कराते चलें। ये सतना पन्ना रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाने के ट्रायल का दौर शुरू हो गया है। अब वर्षों से चल रहे इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। आप सभी को अवगत कराते चलें कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने सतना से बरेठिया के बीच में रेल ट्रैक का निरीक्षण किया है और अपने सामने 110 किलोमीटर की स्पीड से CRS स्पेशल को चलाया गया। जानकारी के मुताबिक रेलवे की सेंट्रल सर्कल के कमिश्नर रेल सेफ्टी श्री मनोज अरोरा जी की मौजूदगी में बुधवार को देर शाम तक लगभग 9 घंटे तक चले इंस्पेक्शन के दौरान सतना नागौद पन्ना रेल मार्ग पर सतना से बरेठिया के बीच स्पेशल ट्रेन का ट्रायल किया गया। इस ट्रैक पर लगभग 17.8 किलोमीटर की दूरी पर डीजल इंजन के साथ CRS स्पेशल ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। ये ट्रायल सफलतापूर्वक रहा। ये CRS शुरू होने से पहले विधिवत पूजा पाठ की गई। उसके बाद सतना के मुख्तियारगंज रेलवे गेट के पास उस पॉइंट से निरीक्षण शुरू किया जहाँ से पन्ना लाइन मेन लाइन से जुड़ती है। उन्होंने सभी जॉइंट्स और गेप चेक किए। गेप में स्केल व सिक्के डालकर देखे गए। CRS ने रेल अफसरों के साथ ट्रॉली इंस्पेक्शन किया। उन्होंने क्रॉसिंग पॉइंट, ट्रैक ग्रेज, कर्व लाइन और बाईपास पॉइंट चेक किए। आप सभी को अवगत कराते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत बिछाई जा रही सतना पन्ना रेल लाइन के अंतर्गत सतना से बरेठिया तक सिंगल रेल ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। वहीं करही व बरेठिया में स्टेशन निर्माण करने और अन्य व्यवस्थाओं में अब तक 450 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस रेल मार्ग पर 5 बड़े एवं 11 छोटे ब्रिज तथा 5 अंडरपास बनाए गए हैं। सबसे बड़ा ब्रिज सतना नदी पर बनाया गया है। बताया गया कि सतना बरेठिया ट्रैक का अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, लिहाजा अभी यहाँ डीजल इंजन दौड़ाया गया है CRS के दौरान, बाद में इलेक्ट्रिक इंजन भी दौड़ाया जाएगा। इनके अलावा बताया गया कि यहां से नागौद तक 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक भी 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इनके अलावा आपको बताते चलें कि कल है 11 अक्टूबर 2024 और कल से जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, इनके अलावा बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन, इनके अलावा रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस ट्रेन, ये सभी ट्रेनें दोबारा से शुरू हो रही हैं। बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन में जो थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा था, इस वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया था, तो फिलहाल ये तीनों ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं। आपको बताते चलें कि पश्चिम मध्य रेलवे की जो महाप्रबंधक हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये जो ललितपुर सिंगरौली ये जो नई रेलवे लाइन है, इस नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस रेल लाइन के साथ ही आवश्यक अधूर संरचना का विस्तार भी हो रहा है। नई परियोजनाओं के पूर्ण होने से ट्रेनों के संचालन की गति बढ़ेगी, यात्री एवं माल परिवहन की सुविधा बढ़ेगी। आपको बताते चलेंगे CRS में रेलवे ट्रैक के सभी तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया गया। इसी के साथ CRS ने सिग्नल सिस्टम, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के कार्यों और क्वालिटीज़ की जांच की है। वहीं स्टेशनों के भवन, उपलब्ध सुविधाओं, फाटक में सुरक्षा अरेंजमेंट की जानकारी ली है। इन सभी व्यवस्थाओं पर CRS ने सहमति दे दी है। परमिशन लेटर मिलने के बाद नए रेलखंड पर ट्रेन का संचालन हो सकेगा। बताया जा रहा है कि ये जो CRS किया गया, ये सफलतापूर्वक CRS किया गया, अब मान के चलिए कि सतना से बरेठिया तक ट्रेन को चलाया जा सकता है। लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे ऐसा नहीं करेगा। जब तक पन्ना तक रेल मार्ग नहीं बन जाता, जब तक नई ट्रेन को चलाना पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से थोड़ा सा मुश्किल समझ में आ रहा है, क्योंकि रीवा सीधी सिंगरौली रेल परियोजना में रीवा से गोविंदगढ़ तक का CRS पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और जो रीवा गोविंदगढ़ रेलवे लाइन है ये तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन है। उसके बाद भी ट्रेन को चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।